फ्रेंड्स, आरआरबी ग्रुप डी की स्पेशल वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज आपके बात करेंगे अग्रेले ग्रुप डी की कोलकाता की कट ऑफ के बारे में। हमारे चैनल पर डेली शाम के 7 बजे आपको कोलकाता या फिर कोई भी अलग अलग जोन के कट ऑफ मिलते रहते हैं, जैसे कि आज आपको कोलकाता कट ऑफ का मिल रहा है। देखिए, हमारे चैनल पर डेली शाम के 7 बजे एक एग्जैक्ट वीडियो मिल जाएगा, ठीक है, वो भी एग्जैक्ट कट ऑफ के साथ। जैसे आज बताऊंगा कोलकाता कट ऑफ, वो भी पिछले साल के कट ऑफ के साथ, कि पिछले साल की कट ऑफ क्या थी। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों फ्रेंड्स, ये वीडियो काफ़ी अच्छा होगा जिन्होंने कोलकाता से कट ऑफ पेपर दिया है, ठीक है, तो उनके लिए एक अच्छा वीडियो है। बाकी उन सब के लिए भी अच्छा है जिन्होंने नहीं दिया, क्योंकि उनको पता चलेगा कि आइडिया हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, पिछले साल के कट ऑफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी इकट्ठी कर लेते हैं। देखिए, पिछली बार क्या हुआ उसके बाद फिर बताएंगे कि पिछली बार क्यों कम गई थी और इस बार क्यों ज़्यादा जाएगी, या फिर पिछली बार ज़्यादा क्यों गई थी और इस बार कम क्यों जाएगी, मतलब पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। देखिए, पिछली बार की जो कट ऑफ थी 2013-2014 में लास्ट एग्जाम हुआ था रेलवे ग्रुप डी का, तो कट ऑफ जो जनरल गई थी वो कोलकाता में 74 गई थी, एवं साथ ही साथ ओबीसी की 68 गई थी और एससी की भी 68 गई थी, यानी ओबीसी और एससी में बराबर ही रह गया था, कोई फर्क नहीं था, सेम कट ऑफ थी दोनों के बीच में। बाकी जनरल की 74 गई थी, इतनी हाई कट ऑफ थी, तो आप लोग सोच सकते हैं कितनी हाई कट ऑफ थी 2014 में। तो इसका रीज़न आपको बताने वाला हूँ वीडियो में, तो आप लोग इस वीडियो को वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए, ठीक है। देखिए, आपको बताऊंगा इस वीडियो के एंड तक कट ऑफ कितनी जाएगी इस बार कोलकाता की, ठीक है, और साथ ही साथ की क्यों कम रह जाएगी इस बार कट ऑफ। देखिए, इस साल एक तो अटेंडेंस 60% ही थी। जी हाँ दोस्तों, हमने बिल्कुल सही सुना, इस बार आरबी ग्रुप डी की कट ऑफ 60% ही थी। वहीं कोलकाता की भी कम अटेंडेंस थी। पेपर हार्ड आया था इस बार ग्रुप डी का, आपने भी दिया होगा, लेवल बहुत ही बदल गया था इस बार, लेवल पूरा चेंज हो गया था और पेपर ऑनलाइन हो गया, पिछले बार पेपर ऑफलाइन था दोस्तों, ठीक है। और देखिए, अब बात कर लेते हैं, पेपर जब बहुत ही हार्ड आया था, क्योंकि पिछले बार पेपर जो था वो 2014 में जो लास्ट एग्जाम हुआ था काफ़ी ईजी पेपर था, जो कि लोगों ने आसानी से पेपर किया था, जिसके कारण कट ऑफ काफ़ी कम गई थी, 73 कट ऑफ हुई थी जनरल की, ठीक है। लेकिन इस बार की जो कट ऑफ है वो आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा कि कट ऑफ इस बार कितनी जाएगी। आपको मैंने पूरा रीज़न बता दिया कि क्यों कट ऑफ कम क्यों जाएगी, ठीक है। देखिए, पिछली बार कट ऑफ जो थी वो काफ़ी कम गई थी, लेकिन इस बार जो है कट ऑफ है बिल्कुल सही कट ऑफ है 2018 की, आप सभी लोगों के लिए, दोस्तों के लिए। जनरल की 51 कट ऑफ जाएगी, ओबीसी की 49, एससी की 40 एवं एसटी की 37, ठीक है, काफ़ी अच्छी कट ऑफ है इस बार, बहुत ही कम कट ऑफ है। अगर आप कितने में बन रहे हैं, मतलब अगर आप जनरल में हैं और आप 51 बन रहे हैं, तो आप लोग फिजिकल की तैयारी करनी शुरू कर दीजिए, क्योंकि इतने नंबर बनने के बाद अगर आपने फिजिकल तैयारी करनी शुरू नहीं की, आपने सोच लिया कि यार नहीं यार छोड़ो, क्या पता नहीं हो, इसलिए रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं करें, क्योंकि रिजल्ट भी आपका जनवरी के एंड तक आ जाएगा, तब तक आप लोग फिजिकल तैयारी करना शुरू कर दीजिए, दौड़ना शुरू कर दीजिए, उठा के भागना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो पर कैसा लगा, वीडियो को शेयर जरूर कर देना, लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर कर देना। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप अपने जोन का कमेंट कर दीजिए, मैं उस पर नया वीडियो लाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना।